हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नॉलेजफुल फैक्ट्स की दुनिया में। क्या आप जानते हो कि हमारे नाखून में ये जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसका क्या नाम है, और क्या आपको पता है महिला और पुरुषों में किन किन नाखूनों की बढ़ने की गति धीमी होती है। अब जब बात नाखून की आई है तो चलिए नाखून के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स को जानते हैं। वैसे तो नाखून भी मानव शरीर का प्रमुख अंग है। महिलाओं की खूबसूरती में तो चार चांद लगाने में नाखूनों की अहम भूमिका होती है। नाखूनों से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति स्वास्थ्य की जानकारी इनके रंग के आधार पर हो सकती है। इसके अलावा नाखूनों से जुड़ी कई तथ्य और भी हैं जिनके बारे में आप शायद अनजान होंगे, तो चलिए उनको एक्सप्लोर करते हैं। फैक्ट नंबर 10, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने 2009 में अपने एक अध्ययन में पाया कि व्यक्ति के नाखून 3.55 मिमी प्रतिमा बढ़ते हैं। हालांकि 1935 में नाखूनों की बढ़ने की गति दर प्रतिमा 3 मिमी और 50 के दशक में 3.06 मिमी थी। प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार के सेवन के कारण नाखूनों के बढ़ने की दर भी बढ़ी है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि शरीर में वृद्धि के साथ साथ अंगुलियां बड़ी होने लगी और इस कारण से शरीर का रक्त प्रवाह भी बेहतर हो गया। फैक्ट नंबर 9, व्यक्ति के हाथ और पैरों के नाखून में अलग अलग तरह की वृद्धि देखी जाती है। अंगुलियों की तुलना में पैरों के नाखून धीमी गति से बढ़ते हैं। अंगूठे के नाखून प्रतिमा करीब 2 मिमी तक बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 8, नाखूनों का बढ़ना मौसम पर भी निर्भर करता है। नाखून के बढ़ने की गति गर्मी के मौसम में अधिक तेज होती है क्योंकि शरीर द्वारा धूप का इस्तेमाल कर विटामिन डी बनाने से बढ़त तेजी हो जाती है, जबकि अन्य मौसम में नाखूनों के बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके नाखून भी आपके स्वास्थ्य की सारी पोल खोल देते हैं। क्या आप खाते हैं, कैसा खाते हैं, आपकी सोच और रहन सहन भी आपके नाखून दर्शाते हैं। फैक्ट नंबर 6, यदि आपके नाखून के आसपास त्वचा सूख रही है तो यह आपके शरीर में विटामिन सी, फोलिक एसिड और प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपके नाखूनों के बढ़ने की गति धीमी है तो यह बताता है कि आप प्रोटीन की कमी और विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं। मानसिक अशांति, तनाव, प्रोटीन और जिंक की कमी भी नाखूनों की वृद्धि में बाधक हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, कुछ शोधों में यह बात साबित हुई है कि बीमारियों के हिसाब से नाखूनों का रंग बदलता है। जैसे सफेद रंग के नाखून लीवर से संबंधित बीमारियों यानी हेपेटाइटिस के प्रतीक हो सकते हैं। पीले नाखून फेफड़े संबंधी बीमारियों को दर्शाते हैं। आधे सफेद और आधे गुलाबी नाखून गुर्दे से संबंधित बीमारियों के संकेत देते हैं। अगर नाखून का रंग पीला है या उनकी परत सफेद है तो यह शरीर में खून की कमी का लक्षण है। नाखूनों का पीलापन पीलिया के लक्षण को भी बताता है। फैक्ट नंबर 3, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही यह नाखूनों के लिए नुकसानदेह है। धूम्रपान करने से नाखून पीले हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान के आदि हो चुके हैं तो आपके नाखून पीले होने शुरू हो जाएंगे। क्यूटिकल्स नाखूनों के दोनों ओर होते हैं जिसमें गंदगी जम जाती है। यह इतने प्रभावशाली होते हैं कि इसकी वजह से नाखून सड़ जाते हैं, इसलिए समय समय पर इनको काटते रहें। फैक्ट नंबर 2, पुरुषों और महिलाओं के नाखूनों के बढ़ने की गति भी अलग अलग होती है। पुरुषों की अंगुलियों की तुलना में महिलाओं के नाखूनों की गति धीमी होती है क्योंकि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक हार्मोन्स पाए जाते हैं। आखिरी फैक्ट्स को जानने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैक्ट नंबर 1 और आखिरी, आपने इस नाखून पर सफेद वाले हिस्से को नोटिस तो किया ही होगा और शायद आपने से बहुतों के नाखून पर यह सफेद वाला हिस्सा होगा भी और नहीं भी, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के लोगों के नाखूनों में ही होता है। ये तो हो गया इसके बारे में प्रचलित अवधारणा, पर यदि बात इस सफेद वाले भाग के नाम की जाए तो इसको बेसिकली लूडुला के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लूडुला। क्या आपको इससे पहले नाखून के बारे में इन तथ्यों को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पड़ोस या दोस्तों के नाखून में भी एक सफेद चीज है तो उनमें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले।